अज के इस गुरु धरने के बीच पहुंचे हुए समुचे इलाका निवासियों सब तो पहला बोले चाहे फतेह कहता वाहेगुरु जी का खालसा जी वाहेगुरु जी की फतेह। अज सानू क्यों कट्ठे होना पै रहा है, एक पासे हड़ वर्गी महामारी ना सारा पंजाब जूझ रहा है, होना सानू उत्ते चाहिदा सी पर सानू मजबूर किया गया कि जिहड़ी साडी आजादी है वह दो भागां दे विच मिलेगी। मैं अज सोशल मीडिया के उत्ते वख वख प्रतिक्रियावां देख रहा सी, कई झोटे निंदन की कोशिश करते हैं भी गलत काम कर रहे जी, छित्रां दा हार नहीं पाउणा चाहीदा, फलाना नहीं करना चाहीदा, पर मैं पुछना चाहना कि कानून के मुताबिक तुसीं किसे भी नहीं होना चाहीदा, पर तुहाडा कानून है जिहड़ा वो चेहरे टेक के फैसले करता प्रशासन वालों। मैं थोड़े सामने खड़ा, यही कानून मेरे परिवार के खुशहाल परिवार को जिंदा ला चुके हैं। किसी ने अज तक सवा साल हो गया मेरी गल नहीं सुनी, मैं गलियां दे विच भौंकदा फिरदा, वो नौजवान कौन सी जिहड़े 15-15 हज़ार ते बिकदे, वो इन्हां लोकां दे थोते कीते होए नौजवान सी, नहीं तां कैमरे नाल मेरी गल ही दुश्मनी सी, जिहड़े 15 हज़ार रुपया लेके मेरे बच्चे ने रेकी करती और जिहड़े बाकी दे दुश्मन ने आके ठहरा गोलियां चला दियां और मेरा हीरे वर्गा पुत पंजा मिनटां दे विच ढेरी करके चले गए। उदों थोड़ा कानून कित्थे सी? मैं सवेरे एक जिम्मेवार पुलिस अफसर का बयान देखा, वो कहिंदा कानून तो कोई उपर नहीं हो सकता। असीं भी कहिंदे आ कि कानून तो कोई उपर नहीं होना चाहिंदा, पर मैं एक गल लेके ठोक के कहना साडे बदमाश साडे कानून तो उपर ने, साडे गैंगस्टर साडे कानून तो उपर ने, नहीं तां तुसीं देखो। मैं सीएम साहब नूं एक गल चैलेंज करके पुछनी चाहुंदा, अज 4 महीने हो गए तेरी हाई सिक्योरिटी जेल के विच लॉरेंस इंटरव्यू कर जांदे और तुसीं उहदी जांच कमेटी बिठा दिंदे हो, अज 4 महीने हो गए मुलजम थोड़े कोले है, अज तक थोड़ा यह नहीं पता लग्या भी इंटरव्यू होई कित्थे सी। यह कानून है, यह कानून कदे झोके वर्गे कौना भी लागू होंदा जेहदी गल ते भी मैं जाना, मगर उत्थे कानून की रहाई दित्ती जांदी है। कानून की कहिंदा है? कानून सारे वास्ते बराबर है, हरेक बंदा इज्जत दी रोटी खा के आपके घर टाइम पास करना चाहता है। तुसीं देख लो साडा किड्डा वड्डा शहर है, साडे 350 मेडिकल की दुकान है और जिहड़ा कोई चंगा डॉक्टर जी दी अच्छी प्रैक्टिस चलती है उहदा मेडिकल दुकान अपने हॉस्पिटल के अंदर बनया होया है। कहते तुसीं जांच पड़ताल कीती है जिहड़ी इह दुकानां खुल्लियां ने, साडी नसलकुशी करने वास्ते इन्हां दी कदे कोई पड़ताल कीती जावे? कदे प्रशासन ने समझे? क्यों समझे भाई, आमदन का साधन है, कदे भी इसके उत्ते कदे कोई जांच पड़ताल हुई है? कदे भी नहीं होनी। और लॉरेंस वर्गे जिस दिन मेरे पुत का कतल होंगे तो वह बंदा हाई कोर्ट के पटीशन पाता है कि मैनू पंजाब दी जेलां चो खतरा है, और मैं भगवंत मान नूं बधाई दिंदा कि तू साडा दिल तां नहीं जित सकिया, तू गैंगस्टर का दिल जरूर जित गया। अज उही लॉरेंस हाई कोर्ट के विच पटीशन पाता है और यह गल कहिंदा है मैनू बठिंडे की जेल में रखा जाए, मैनू पंजाब की जेल में रखा जाए। हुण जे NI ने ये लॉरेंस के गोली वर्गिया गतिड़ा जिन्होंने कदे किसी ने लफेड़ा तक नहीं मारिया, और जेलों के विच साडे नौजवानों नूं नशे ते ला के इन्हां दी किरदार कुशी करके इन्हां नूं इन्हां ने मतलब मैं की कहां निकम्मे बनाता भी ये थोड़े जे पैसा की खातर, मैं जिवें तू दस के हटिया एक मेरे को 15 हज़ार रुपए की खातर मेरे बच्चे ने मरवाने का फैसला कर लिया। की कीमत है 15 हज़ार की? उही गल मेरे कान च कह दिंदा भी तेरे पुत नूं मारना ही है, तेरे गड्डियां खड़ियां बेचारा, हो सकता मैं उन्हें लखा भी दे दिंदा। ये साडी कीती किने है? साडा नौजवान किने बेकार किते ने भरावो इन्हां दुकानां दे ने? मैं तुहानूं होर सकौड़ा सच है जिहड़ा झोना लाउने असीं रोज, और जिहड़ियां साडियां भैणां मंग के कहिंदियां ने जिहड़ा कैप्सूल लेके आई उत्थों, जिहड़े के मेडिकल दुकान दे उत्तों बड़े धड़ल्ले नाल झोले भर के जिहड़े तुहाडे सामने कीता, ये लोग कहिंदे ने
मैं सॉरी कोई मिनट लो ये लोग कहते हैं जड़िया गोलियां बिकदिया ने मेडिकल डॉक्टर साहब के लिखे तो बिना नहीं दवाई मिलनी चाहिए परंतु झोले भरी फिरते हैं सैकटरी वालों हुक्म आ गया मैं हर दुख मेरा काफी कटा मैं कदम घंटा टाइम लेना सी चलो जिन्ना भी समय के भाव रहा हो कोई शब्द भाव हो संगत माफ करने योग है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का।